अवॉइड द
इंसान लोग बहुत तेजी से पेड़ों को काट रहे हैं, जैसे हम लोग कहते हैं डिफोर्टेशन, इसे हमें कम करना चाहिए। नंबर टू अपफ्रस्ट्रेशन। अपफ्रस्ट्रेशन कहने का मतलब है जितना हो सके ज्यादा मात्रा में हमें प्लांट लगाना चाहिए, यानी कि अगर हम लोग घर में या फिर कहीं रहते हैं अगर हम लोग एक पेड़ काटते हैं तो कम से कम उसी जगह पर हमें दो या तीन प्लांट लगाने चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ओवर ग्रेजिंग कहते हैं जो बहुत ज्यादा जानवरों द्वारा चला जाता है, गाय बकरी सब ना चलते हैं ना, तो उसको कहते हैं ओवर ग्रेजिंग, उस पर हमें कंट्रोल करना चाहिए। नंबर फोर यूज नेचुरल फर्टिलाइजर इंस्टीड ऑफ केमिकल्स, यानी हमें नेचुरल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए बदले में किसके, केमिकल फर्टिलाइजर। नेचुरल फर्टिलाइजर लाइक दैट हमारा होता है जैसे कंपोस्ट हो गया, डंग ऑफ एनिमल्स हो गया, ये सारे कुछ। उसके बाद नंबर फाइव होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड बैंड, यानी कि डैम्स का निर्माण करना चाहिए जिसके द्वारा जो नदी का बहाव, जो नदी किनारा होता है जिसके कारण मिट्टी और मिट्टी बह जाता है उससे वो रोक सकते, रिवर बैंक है कंट्रोलिंग, यानी सबसे बड़ा काम बनता है हमारी मिट्टी के बहने को रोकने से। सो दीज आर समरी ऑफ चैप्टर ऑफ सॉइल ऑक्सीडेशन, इसे आप लोग देखेंगे समझेंगे और इसके बाद येगा क्वेश्चन को आप लोग करेंगे, और इसके साथ साथ जितना ही टीचर पढ़ाएगी उसको एक कॉपी में करके आप लोग स्कूल में लाकर जमा करना है ताकि उसे टीचर कर सकें।